हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि 7 अगस्त को HP हिमाचल प्रदेश DLED JVT की जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स, उसका रिजल्ट जो है अनाउंस कर दिया गया है। एंड फ्रेंड्स, इसके लिए आपको हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो ऑफिशियल वेबसाइट है HPBOSE, उस पर जाकर फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर आपको फिल करना है एंड इस प्रकार जो है आप अपना जो है रिजल्ट चेक कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम का। सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स के काफ़ी डाउट थे कि सर कितने परसेंट हमारे, मतलब कि 100 में से कितने मार्क्स आने चाहिए सो डैट हमारा सर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए, क्योंकि फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग काफ़ी कमेंट स्टूडेंट्स कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए एंड उस पर जो है स्टूडेंट के सारे डाउट जो है क्लियर कर सके। तो इसके लिए फ्रेंड्स जो पासिंग मार्क्स हैं एंड जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो मार्क्स है फ्रेंड्स, उसको जो है कैटेगरी वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब कि कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मतलब कि जनरल कैटेगरी के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए कितने होने चाहिए एंड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। तो जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि आप पहले ही जानते होंगे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स एंड जो एंट्रेंस एग्जाम का जो टेस्ट का जो मिनिमम जो मैक्सिमम जो मार्क्स होता है वो 100 होता है फ्रेंड्स। अगर 100 में से आप जो है 50% मार्क्स, मतलब कि 50 मार्क्स ले आते हैं फ्रेंड्स अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप जो है पास, मतलब कि आप पास कर चुके हैं एंट्रेंस एग्जाम। बट फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स का डाउट ये नहीं था, डाउट ये था कि सर हमारे कितने मिनिमम कितने मार्क्स आए सो डैट हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो इसके लिए फ्रेंड्स अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कम से कम फ्रेंड्स आपके जो है 75 मार्क्स जो है 100 में से आउट ऑफ 100 75% मार्क्स आने चाहिए, तभी फ्रेंड्स आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स आप पहले जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में टोटल 10 जो है गवर्नमेंट कॉलेज हैं एंड 26 जो है प्राइवेट कॉलेज हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज में की सीटें काफ़ी कम है फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपको पता है कि कट ऑफ जो है इस बार हाई भी जा सकती है, बिकॉज जो है एंट्रेंस एग्जाम थोड़ा लेट से हुआ था, ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रेंड्स एंड COVID-19 की वजह से जो है समय को भी काफ़ी टाला गया। इस वजह से फ्रेंड्स स्टूडेंट्स को भी टाइम थोड़ा मिल गया था एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एंड बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट भी थोड़ा फ्रेंड्स लेट में आया था, तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। सो इसके लिए फ्रेंड्स अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड आप चाहते हैं कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो मैं यही आपको बताना चाहूँगा कि कम से कम फ्रेंड्स आपके 75% या कहले 75 मार्क्स है 100 में से, तो आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। इसलिए फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। एंड अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स रिजर्व कैटेगरी की, मतलब कि जो बच्चे OBC SC ST एंड SC से जो बिलोंग करते हैं, तो उन बच्चों के लिए फ्रेंड्स जो है काफ़ी रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। बट इसके लिए फ्रेंड्स जो पासिंग मार्क्स है वो 45 है एंड अगर आप चाहते हैं कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो इसके लिए फ्रेंड्स कम से कम जो है 70 या 65 से अबव मार्क्स आपके आने चाहिए एंट्रेंस एग्जाम जो आपने दिया था, सो तभी आपके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते हैं एंड कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अदर स्टेट से भी फ्रेंड्स जो है एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिमाचल प्रदेश में आते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स कम से कम इतने मार्क्स आने चाहिए। एंड अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स स्पोर्ट्स पर्सन के, जो बच्चे नेशनल लेवल या स्टेट लेवल के लिए जो अपना, मतलब कि ये स्टेट लेवल के लिए जो गेम खेलते हैं फ्रेंड्स स्कूल के तरफ से पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी रिलैक्सेशन दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से फ्रेंड्स। एंड जो उसको सर्टिफिकेट मिलता है उसके थ्रू ही फ्रेंड्स उसको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है एंड उसके लिए यहाँ पर दिया गया है 100 में से 35 जो है मिनिमम पासिंग मार्क्स है। बट अगर ये गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इनके लिए फ्रेंड्स जो है कम से कम 60 मार्क्स आने चाहिए, तभी उनका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स ये सभी जो डेटा मैं आपको प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ही मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, सो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। एंड फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं कि जो इसकी काउंसलिंग जो है फ्रेंड्स वो कब होगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसकी जो काउंसलिंग डेट है वो सितंबर में एक्सपेक्ट किया गया है कि सितंबर में हो सकता है। एंड आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कि जो रिजल्ट है वो 7 अगस्त को जारी कर दिया गया है एंड इसके लिए फ्रेंड्स जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं, सो आप टेंशन बिल्कुल भी ना ले फ्रेंड्स। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो है फ्रेंड्स DLED JVT के लिए जो है कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है एंड
अगर आप फ्रेंड्स अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th अगस्त जो है लास्ट डेट है, एंड यहाँ कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, एंड 12th क्लास के मार्क्स मतलब कि मेरिट बेस पे जो है आपको एडमिशन दिया जाता है दिल्ली डाइट में। सो दिल्ली से भी आप डीएलएड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स कि अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है तो आपको दिल्ली आने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, बट आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आना होगा, तो इतना तो आप आ सकते हैं। बट फ्रेंड्स अगर आप दिल्ली से करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है, बट इसके लिए ये फ्रेंड्स कि आपके जो मार्क्स हैं वो कम से कम फ्रेंड्स 85 से अबव होना चाहिए, तभी आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे दिल्ली में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह की जो डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड जो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि रिजर्व जनरल के लिए इतने मार्क्स होने चाहिए तभी वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा, ये सभी मैं प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बताएँ फ्रेंड्स। सो बिल्कुल भी आप इस पर जो है 100% जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये जो डेटा है वो सही है, इसलिए मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये एक्सपेक्टेड है, ये अनुमानित है, हम मान के चलते हैं फ्रेंड्स कि अगर इतने मार्क्स आते हैं तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स दिल्ली में भी इसी प्रकार की जो है हमारे जो है अगर 85 से अबव मार्क्स आते हैं तो हमारे दिल्ली डायरेक्ट में एडमिशन हो जाता है, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। सो थैंक यू, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।